दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने डेस्कटॉप में कैसे पुराने लैपटॉप का या फिर दूसरा हार्ड डिस्क कैसे अपने मशीन में सीपीयू में लगा सकते हैं। मेरे पास दोस्तों ये पुराने लैपटॉप का एक छोटा हार्ड डिस्क पड़ा था जो कि मैंने हाल ही में ही लगवाया है अपने डेस्कटॉप में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये हार्ड डिस्क कैसे आप अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप को खोलने के बाद आपके सीपीयू में जो आपका खुद का जो हार्ड डिस्क है, मतलब आपका डेस्कटॉप का जो प्री इंस्टॉल्ड हार्ड डिस्क है, उसमें आपको दो केबल दिखाई देगा जो कि पावर सप्लाई के काम करता है। एक है साटा केबल, दूसरा है पावर सप्लाई का केबल। दोस्तों, ये साटा केबल आप बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हैं या फिर आपके सीपीयू में अगर एक्स्ट्रा साटा केबल है जो कि डीवीडी राइटर में यूज़ करते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपना डीवीडी राइटर का साटा केबल यूज़ किया है। दोस्तों, आपके मशीन में अगर डीवीडी राइटर नहीं है तो आप ये साटा केबल बाज़ार से ख़रीद के ला सकते हैं, जो कि 50 से 60 रुपये में मिल जाता है आपको। यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आप लगाएंगे, उसमें जो साटा केबल लगेगा वो साटा केबल आपके मदरबोर्ड में लगा रहना चाहिए। मेरे जो मशीन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें डीवीडी राइटर के लिए ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुझे अलग से मतलब साटा केबल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये डीवीडी राइटर का साटा केबल खोल के अपने जो पुराने लैपटॉप का हार्ड डिस्क है उसमें लगा लूँगा। ये मैंने साटा केबल खोल दिया और ये दूसरे तरीके से देख सकते हैं आप, मैंने पावर केबल जो है वो भी मैंने खोल लिया। ये पावर केबल हर एक मशीन में 3-4 एक्स्ट्रा रहता है, वो आपको एक्स्ट्रा खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये दोनों साटा केबल और पावर केबल जो है खोल लिया है। अभी जो आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क है उसमें आप ये अच्छी तरीके से लगा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर क्लिप जैसा रहता है, आप सही तरीके से अगर लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता है। ये साटा कवर हमारा लग गया, अभी लगाएंगे हमारा पावर केबल। दोस्तों, आपके मशीन में अगर डीवीडी राइटर नहीं है तो शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये साटा केबल आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपके मदरबोर्ड में, उसके बाद जाकर आप ये पावर केबल को अपने हार्ड डिस्क में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, ये दोनों केबल लगाने के बाद आप अपने ये छोटा जो हार्ड डिस्क है इसको किसी अच्छी सी जगह पर अपने सीपीयू में सेट कर दीजिए कि वो नहीं गिरे। अभी दोस्तों मशीन को ऑन कर लीजिए और चेक कर लीजिए आपका हार्ड डिस्क जो है वो मशीन में शो कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है मेरा 250 GB का जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क था वो माई कंप्यूटर में एकदम क्लियरली शो कर रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने पुराने लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है या फिर दूसरे कंप्यूटर का भी जो हार्ड डिस्क है वो आप इजीली अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं।